उत्तर प्रदेश के महोबा में उत्तम फाउंडेशन गरीब और दलित वर्ग के बच्चों के लिए सराहनीय काम कर रही है। यह संस्था पिछड़ा वर्ग के बच्चों को शिक्षित बनाने में हर संभव मदद कर रही है। जहां राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के दौरान शहर के आलहा चौक स्थित अंबेडकर पार्क में उत्तम फाउंडेशन के सदस्यों ने दलित और ग्रामीण बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सामग्री दी। आपको बता दें कि हर साल उत्तम फाउंडेशन कैंप लगाकर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सामग्री देती है। इसी के तहत उत्तम फाउंडेशन ने बच्चों को सामग्री दी। जी, अंबेडकर पार्क में रखने का ये तात्पर्य हुआ क्योंकि बाबा साहब के जो पहले तीन जो बिंदु हैं, मुख्य संगठन, शिक्षा और संघर्ष, तो शिक्षा पे सबसे पहले काम करने की ज़रूरत है। अगर हमने शिक्षा पे काम करा, लोग शिक्षित हुए, तो संगठन और संघर्ष होगा और जो भारत के दबा कुचला समाज है, दलित समाज है, वो निसंदेह जो है आगे आएगा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से तमाम जो चीज़ें हैं वो करी जा सकती। बिना शिक्षित होने के, मतलब शिक्षा के बिना आप किसी काम को पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर करने का हमारा पहला प्रयास है और बाबा साहब के पहले महत्वपूर्ण बिंदु को करने का प्रयास। सारे बच्चे जो है दलित बस्तियों के हैं और हम लोग जो निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है वो चला रहे हैं कई सालों से निरंतर। इसके लिए उद्गम फाउंडेशन महोबा की ओर से सारे बच्चे, जैसा कि अभी शिक्षा जो कि सबसे बड़ा एक महत्व है, बिना शिक्षा के कुछ नहीं हो सकता। बाबा साहब के स्लोगन ने, क्योंकि बाबा साहब ने ही गणतंत्र रूप जो हम मनाते हैं और बाबा साहब की आधार में मनाते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान लिखा था। तो हम लोगों का मेन टारगेट है शिक्षा, तो हम बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, ना कि किसी विद्यालय से ताल्लुकात हो। एक हमारा फाउंडेशन है उद्गम फाउंडेशन, जिसके तहत हम समय समय पर जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं उन पर हम बच्चों को शिक्षा की ओर उन्मुख करते हैं और उन्हें शिक्षा सामग्री देते हैं।